हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिकेन्स किचन। सो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छी सब्जी कॉलीफ्लावर की, जिसको आलू गोभी बोलते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे हम, और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो मैं आपको पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक कॉलीफ्लावर लेंगे, एक पूरा कॉलीफ्लावर हमने काट के रख दिया है। एक आलू है, चॉप किया है, उसको हमने पानी में सोख करके रखा है, सो वो ब्लैक ना हो जाए। उसके बाद हमने एक टमाटर चॉप करके रखा है। उसके बाद हम मसाले में, ये गरम मसाला है 1.5 से 2 चम्मच यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है हींग, वो हम 1 से 2 चम्मच यूज़ करेंगे। उसके बाद ये है धनिया जीरा पाउडर, वो भी 1 से 2 चम्मच यूज़ करेंगे। ये है हल्दी पाउडर, ये है लाल मिर्च, और ये है जीरा, क्यूमिन पाउडर। और हमने एक पूरा अनियन चॉप करके रखा है, उसके साथ ही एक चॉप गार्लिक है, और जिंजर एंड चिली की हमने 1 से 1.5 पेस्ट यूज़ करनी है। और गार्निशिंग के लिए हम फ्रेश धनिया यूज़ करेंगे, और इस सब्ज़ी में हम ये तुअर दाना है वो भी यूज़ करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पैन में 4 से 5 चम्मच ऑयल को हीट करने रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना जीरा है उसको डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जितनी हींग डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जिंजर एंड चिली की, जो हमारे पास चॉप करके रखा है, वो डालेंगे, और गार्लिक भी इसके साथ डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें अभी अनियंस डाल लेंगे। अब अनियन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अनियंस लाइट पिंक हो गए हैं। हम इसमें अभी टमाटर डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को एकदम ज़्यादा चॉप नहीं करना है, इसको थोड़े से बड़े टमाटर चॉप करने हैं, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब 2 मिनट के बाद हम इसमें आलू है वो भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद सीधा जो हमारा फ्लावर है वो भी इसमें डाल देंगे। ये फ्लावर भी है वो आप उसको आपको एकदम छोटे छोटे काटना नहीं है, थोड़े से बड़े ही रखने हैं, तो उसका भी आपको टेस्ट अच्छा आएगा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक्कन ढक के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। अभी 2 मिनट के बाद एक बार ढक्कन ओपन करके उसमें हम 1 चम्मच सॉल्ट डाल देंगे, और जो हमारे पास जो तुअर दाना है वो भी डाल देंगे, और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर से इसको ढक्कन ढक के और 4 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के बाद फिर से ओपन करके एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और जब तक आलू पके नहीं तब तक उसको फिर से हम ढक्कन ढक के थोड़ा पकने देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आलू हल्का सा पकने को बाकी है, हम और 2 से 3 मिनट तक उसको पकने देंगे। अब इसके बाद हम इसमें चेक कर लिया है कि ये अच्छी तरह से पक गया है। 2 से 3 मिनट के बाद हम फिर मसाले करेंगे। तो इसमें हम 1.5 चम्मच जितना धनिया जीरा, 1.5 से 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जितना हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। और इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला है वो डालेंगे, और एंड में 1/2 चम्मच जितना सॉल्ट डालेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और सबसे लास्ट हम इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल देंगे और फिर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी आलू गोभी की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी रेडी है और ये दिखने में भी इतनी टेस्टी है और स्वाद में भी इतनी ही टेस्टी है। तो ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।